الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतलिल आलमीन। प्यारे आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया के अंदर बहुत सारी इम्तियाजी खसूसियात अता फरमाई। उसके अंदर एक बहुत बड़ी खसूसियत सारे जहां के लिए आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। अंबिया बहुत पाक व मुकर्रम आए, लेकिन सारे जहां के लिए अगर रहमत वाला कोई बनकर आया है तो वो मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी है। अल्लाह तबारक व ताला ने लाखों नेमतें हम तमाम को अता फरमाई हैं। उनमें दो नेमतें बेमिसाल हैं, उसका कोई बदल नहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं और उसकी कोई कीमत नहीं। एक तो इस्लाम की दौलत से अल्लाह तबारक व ताला ने नवाजा कि कोई आदमी, कोई बंदा कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कुफ्र शिर्क के अंदर मुबतला हो, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लेता है, उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं। बल्कि 70 साल का बूढ़ा जजीरे में, टापू के अंदर या सनम कहने वाला एक मर्तबा ज़ुबान फिसल गई और या समझ निकल गया, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई कि मेरे बंदे तूने मुझे याद तो किया, चाहे ज़ुबान के लड़खड़ा जाने से याद किया, सबकते लिसानी से याद किया, लेकिन याद तो किया। अल्लाह ने उसके इलाज रखी और उसको ईमान की दौलत दे दी। यानी 70 साल का कुफ्र शिर्क एक मिनट के अंदर माफ हो गया। इन्नल इस्लाम यहदीमु मा काना कबला। ये इतनी अजीमुशान नेमत है, इतनी अजीमुशान दौलत है कि 70 साल का कुफ्र शिर्क एक मिनट में खत्म हो गया, सारे गुनाह एक मिनट में माफ हो गए। दूसरी अजीमुशान नेमत हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते बाबरकत है। अल्लाह तबारक व ताला ने कि हम अंदाज़ा लगाएं कि लाखों अरबों नेमतें हमको अता फरमा रखी हैं। यहाँ तक फरमा दिया वह इन तरुद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद अल्लाह ने किसी नेमत के देने पर, किसी नेमत के अता फरमाने पर कभी एहसान नहीं जतलाया। आंखें दी, एहसान नहीं जतलाया। कान दिए, दिलो दिमाग दिया, कभी एहसान नहीं जतलाया। इस्लाम दिया, कभी एहसान नहीं जतलाया। कुरान दिया, शानदार दस्तूर हयात दिया, बेहतरीन जिंदगी का रास्ता गुजारने का तरीका दिया, कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन वो एक अजीमुशान नेमत हमारे और आपके आका की ज़ात, जब अल्लाह तबारक व ताला ये नेमत अता फरमाने पर आए, अल्लाह को भी देने वाले को भी मजा आ गया और फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। के रब्बुल आलमीन तुम पर एहसान कर रहा है, तुम पर बड़ा एहसान कर रहा है कि उसने तुम्हारे अंदर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। तो आपकी ज़ात ऐसी अजीमुशान नेमत है कि रब्बुल आलमीन ने भी इस पर एहसान जतलाया। बहरहाल उसी ज़ाते गिरामी के बारे में आपकी जो खसूसियत है वो ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ए नबी हमने सारे जहां के लिए अमूमी तौर पर और इस गुनहगार उम्मत के लिए खास तौर पर आपको रहमत बनाकर भेजा है। और इसीलिए आपकी हर अदा, आपका हर अमल, आपका उठना बैठना चलना, आपका हर अमल जो है वो उम्मत के लिए रहमत बना। यहां तक के नबी की भूल भी उम्मत के लिए रहमत बनी। कोई काम भूल में आपसे हो गया, निस्यान और गलती से हो गया, वो भी उम्मत के लिए रहमत बन गया। चुनांचे जोहर की नमाज में आपने चार के बजाय दो रकात पर सलाम फेर दिया। सहाबा भी अदब के पैकर थे, सलीका मंद थे, शाइस्तगी के पैकर थे। ये नहीं कहा कि नबी आपने गलती की, बल्कि कहा अनुसीता हम कुसरती सलात या रसूलल्लाह, कि शायद आपको भुला दिया गया या नमाज के अंदर कमी हो गई, हुक्म चेंज हो गया है क्या। नबी को पता ही नहीं है, पूछा क्या हुआ, कहा आपने दो रकात नमाज पढ़ाई है। तो नबी की भूल भी रहमत बनी। अगर नबी को नमाज में भूल ना होती, सजदे सहो का मसला कैसे मिलता कि भूल हो जाए, गलती हो जाए, सजदे सहो कर लो, अल्लाह उस नमाज को कबूल कर लेंगे, वरना मुकम्मल तौर पर वापस से नमाज पढ़ना पड़ता, सजदे सहो के मसाइल कैसे मिलते। तो मेरे नबी की भूल भी रहमत बनी, मेरे नबी की नींद भी रहमत बनी। दो मरतबा इस तरह का वाकया पेश आया लैलतुल तारीस का, यानी गज़वे खैबर से वापस आ रहे थे आप, सहाबा इकराम का काफिला साथ में है, पूरी रात चलते रहे, रात के आखिरी पहर आराम करना था। तो हजरत बिलाल को कहा, बिलाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सुबह फजर के वक्त सबको उठाओगे, बेदार करोगे। लेकिन हजरत बिलाल भी थके हुए थे, पूरी रात सफर किए हुए थे, वो भी सो गए, इमामुल अंबिया भी सो गए, सारे सहाबा सो गए। जब सूरज की किरणों ने मेरे नबी के चेहरे अनवर का बोसा लिया, जब सूरज की किरणों ने मेरे नबी के चेहरे अनवर का बोसा लिया, तो मेरे नबी की आंख खुली, आप घबरा कर उठे और फिर जो है कजा नमाज फरमाई। तो मेरे नबी की नींद भी रहमत बनी। अगर आप न सोते, आपको नींद ना आई होती, तो कजा नमाज का मसला सामने कैसे आता। तो ऐसी अजीमुशान जात अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई कि आपकी नींद भी रहमत बन गई। ये इतना रहमत वाला मसला, इतना अजीमुशान है कि इस रहमत से हर एक को आपने हिस्सा दिया। रहमत को इतना लुटाया, इतना लुटाया कि कोई इंसान बाकी नहीं बचा। इस रहमत का असर, इस रहमत का असर हर इंसान पे पड़ा। हर एक ने मेरे रहमत, मेरे नबी की रहमत वाली जात से फायदा उठाया और हिस्सा हासिल किया। चुनांचे में कुछ मिसालें पेश करता हूं कि मेरे नबी की रहमत वाली जात से मां को भी हिस्सा मिला, वरना मां का हाल और मां का मकाम अरब में और जमाने जाहिलियत में वो मकाम नहीं दिया करते थे। मां के साथ वो मकाम, वो एहतराम वाला, वो इज्जत वाला मकाम नहीं हुआ करता था। मेरे नबी ने आकर मां को वो मकाम दिया, फरमाया इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत मां के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और फरमाया जो नौजवान सुबह एक मोहब्बत की निगाह अपने वालिदैन पर डालेगा, हज या उम्रे का सवाब उसको मिलेगा। तो मां को भी रहमत वाली जात से हिस्सा मिला, बाप को भी हिस्सा मिला कि बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया। इसी तरीके से मेरी नबी की रहमत वाली जात से बीवी को भी हिस्सा मिला, फरमाया वरना बीवी का मकाम एक गुलाम और एक नौकर की तरह हुआ करता था, उसको दबाया जाता था, उस पर जुल्म किया जाता था। फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली वह अना खैरुकुम लि अहली, कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ के लिए बेहतर हो। बाहर तो शानदार हाजी साहब और फुला साहब और नमाजी साहब और मौलाना साहब शानदार अखलाक पेश करते हैं, और घर में जाते हैं तो जल्लाद बन जाते हैं, उसको नौकरानी समझते हैं, उस पर जुल्म करते हैं कि ये करेगी क्या, जाएगी कहां, हमारे एहसानों तले दबी हुई है। तो फरमाया इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जो कहा प्रैक्टिकल करके दिखाया मेरे नबी ने, इसीलिए कहा खैरुकुम खैरुकुम लि अहली और वह अना खैरुकुम लि अहली, कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के नजदीक बेहतर हो। हाँ, बीवी जिसकी तारीफ करते वाकई वो शोहर जो है
अल्लाह के यहां भी मकबूल है। इसलिए फरमाया कि मैं तुम में अपने घर वालों में बेहतर हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, सिर्फ जुबान के गाजी और नहीं थे मेरे नबी, किरदार के गाजी थे, अखलाक के गाजी थे, जो कहा वो करके दिखलाया। फरमाया वाना खैरुकुम ली अहली, मैं तुम में सब अपने घर वालों के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर हूं। फिर तो बीवी को भी हिस्सा मिला, मेरे नबी की रहमत वाले रहमत से बीवी को भी हिस्सा मिला। फरमाया इन दुनिया कुल्लुहा मता वो खैरु मताहा अलमरअतुस सालिहा, कि ये दुनिया सबका सब इंसान के फायदे के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, सब सामान है, और दुनिया की बेहतरीन नेमत और बेहतरीन चीज नेक औरत है। मेरे नबी की रहमत वाली जात से बेटी को भी हिस्सा मिला, वरना जमाने जाहिलियत में बेटी को आर समझा जाता था, शर्म का बाई समझा जाता था, और फक्र की वजह से या आर और शर्म की वजह से कि किसी और के निकाह में जाएगी, किसी और के पल्ले बैठेगी, तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसको जवान होने ही नहीं दिया जाता था, बचपन में ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे नबी इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो रहमत की चादर बेटी के ऊपर भी डाली, रहमत की चादर उस बेटी के ऊपर भी डाली, और फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हों, बेटियों वाले सुन ले, और कुरान में है यहबुल लिमन यशाउ इनाथा व यहबुल लिमन यशाउ अद्दुकूर, कुरान के अंदाज पर गौर करें, औलाद और बेटे और बेटियों का तस्करा जहां कुरान ने किया है तो बेटियों वालों को पहले बयान किया है, यहबुल लिमन यशाउ इनाथा, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां अता फरमाता है, और जिसको चाहता है बेटे अता फरमाता है, और जिसको चाहता है दोनों जमा करता है, यानी बेटा भी है और बेटी भी है। तो बेटी के ऊपर भी मेरे नबी ने रहमत वाली चादर डाली और फरमाया जिसकी दो बेटियां हों और उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और अच्छी जगह उसका निकाह करे, कल जन्नत में मैं और वो इस तरह होंगे, वो जन्नत में मेरे करीब होगा। सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल एक बेटी हो तो? कहा एक बेटी वाले के लिए भी यह मसला है कि अच्छा नाम रखे और लेटेस्ट नाम होना चाहिए, तो टेस्ट लो तो लेटेस्ट ही रख दे, वो नाम किसी ने रखा ही नहीं है। सहाबा अंबिया और अल्लाह वालों के नाम रखने चाहिए, चाहे मोहल्ले में हजार नाम वाले क्यों ना हो, नाम का असर पड़ता है। मेरे नबी ने नामों को बदला है, जो नाम अच्छे नहीं थे उसको बदला है बाकायदा। बहरहाल तो बेटियों को भी हिस्सा मिला, मेरे नबी के रहमत वाली जात से शोहरों को भी हिस्सा मिला, शोहर का मकाम भी बढ़ गया। फरमाया इस्लाम में सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं, अगर सजदा करना किसी को जायज होता तो बीवी को हुक्म होता अपने शोहरों के सामने सजदा करें। तो मेरे नबी की रहमत वाली जात से शोहर को भी हिस्सा मिला, उसका भी मकाम बढ़ गया, वो गोया मजाजी खुदा है दुनिया में, यानी औरत के लिए बीवी के लिए हर चीज का वो जिम्मेदार है। इसी तरह मेरे नबी की रहमत वाली जात से छोटों और बड़ों हर एक को हिस्सा मिला। फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्ति वलम यारिफ हक कबीरिना फलैस मिन्ना औ कमा कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, हमारे बड़ों के हक को न पहचाने, वो हम में से नहीं, वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। और फरमाया अल बरकतु मा कबीरकुम, के बरकत कामयाबी तुम्हारे बड़ों के साथ है, बड़ों का तजर्बा, जो बड़े जिन्होंने इस्लाम के अंदर और दीन इस्लाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियां खपाई हैं, बरकत उनके साथ है। तो मेरे नबी की रहमत वाली जात से छोटे भी महरूम नहीं रहे, बड़े भी महरूम नहीं रहे। वक्त की तंग दामनी की वजह से मैं बातों को धीरे धीरे समेट रहा हूं, वरना बहुत सारी मिसालें हैं, आगे बढ़िए। मेरे नबी की रहमत वाली जात से उलमा को भी हिस्सा मिला, जिन्होंने इल्म दीन को सीखा, मेहनतें की और इल्म दीन की आज तबलीग कर रहे हैं। तो फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा असल में अंबिया के वारिस हैं, अंबिया माल दौलत छोड़कर नहीं जाते, उसका वारिस नहीं बनाते, बल्कि नमा वरसुल इल्म, अंबिया इल्म का वारिस बनाते हैं, तो उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे नबी की रहमत वाली जात से तालिब इल्म का को भी रहमत से हिस्सा मिला, वो भी महरूम नहीं रहा, कि खरज फी तलब इल्म कानत जन्नत फी तलबी औ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो इल्म के तलब के लिए निकलता है जन्नत उसके तलब में है।
जो इल्म के तलब के लिए निकलता है, जन्नत उसको तलाश कर रही है, जन्नत उसकी तलब में है, तो तालिब इल्म भी महरूम नहीं रहा। इसी तरीके से मेरे नबी की रहमत वाली जात से ताजिर, बिजनेसमैन, दुनिया में कारोबार करने वाले, हम समझते हैं दीन सिर्फ नमाज, रोजे, जकात, हज का नाम है। ये तो इबादत है मेरे भाइयों, दीन का एक शोबा है ये इबादत, वरना मामलात, मुआशरत, ये सब दीन के शोबे हैं। हमारा लेन देन, खरीदो फरोख्त, कारोबार करना, तिजारत करना, बिजनेस करना हलाल तरीके पर, शरीयत के कानून के मुताबिक, ये भी दीन है। तो ताजिर को भी हिस्सा मिला। एक ताजिर जो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने दुनिया के मसले को हल करने के लिए मेहनतें कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने हराम को इख्तियार नहीं किया, हलाल इख्तियार किया, धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, तो फरमाया इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء او كما قال صلى الله عليه وسلم, ये सच्चा अमानतदार ताजिर, सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन कल कयामत में अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा। कितना ऊंचा मकाम, दुनिया का कारोबार कर रहा है अपने मसले को हल करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, लेकिन उसने इस्लाम के कानून के मुताबिक हलाल तरीका इख्तियार किया, झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, खयानत नहीं की, तो उसका मकाम कल अंबिया और शोहदा के साथ में होगा। वो मेरे नबी की रहमत वाली जात से मजदूर को भी हिस्सा मिला। ताजिर तो बिजनेसमैन है, लेकिन एक बेचारा आम मुसलमान, मजदूरी करने वाला मुसलमान, रोज कमाना, रोज खाने वाला मुसलमान, वो समझता है कि मैं तो बस एक आम इंसान हूं, लेकिन मेरे नबी के रहमत वाली जात से उस मजदूर को भी हिस्सा मिला। एक सहाबी आपकी खिदमत में आए, आपसे मुसाफा किया, आपने हाथ जब मिलाया तो देखा उनका हाथ बहुत सख्त है, पूछा क्या करते हो, कहा अल्लाह के रसूल मजदूर आदमी हूं, मजदूरी करता हूं, पत्थर वगैरह तोड़ता हूं, इसीलिए हाथ सख्त है। तो मेरे नबी बहुत देर तक उसका हाथ अपने हाथ में डाले रहे और चलते रहे और फरमाया अलकासिबु हबीबुल्लाह, अलकासिबु हबीबुल्लाह, अरे हाथ से कमाई करने वाला, अपने मेहनत की कमाई करने वाला अल्लाह का महबूब है। ये मामूली नहीं है कि वह हराम की तरफ नहीं जाता मुसलमान, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता कि खून पसीना बहाऊंगा, 100 रुपए कमाऊंगा, लेकिन हलाल तरीके से कमाऊंगा, हलाल तरीके से खाऊंगा। तो फरमाया अलकासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला अल्लाह का महबूब है, मामूली अमल नहीं है। हमने दीन को नमाज रोजे के अंदर ही घेर कर रख दिया है। जिंदगी का हर शोबा दीन है, जिंदगी का हर शोबा दीन है, इबादत भी दीन है, मुआशरत भी दीन है, मामलात भी दीन है, लेकिन शर्त यह है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जावे, मामला कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। नबी ने सिर्फ कहा नहीं, प्रैक्टिकल और अमलन करके बतलाया। मेरे नबी किरदार के गाजी थे, जो कहा वो करके दिखलाया है। ऐसे ही मेरे नबी के रहमत वाली जात से यतीम और मिस्कीन को भी हिस्सा मिला, जिसको आज लोग जो हैं, किसी का बाप इंतकाल कर जाए, बच्चे यतीम हो जाए, लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन मेरी नबी के रहमत वाली जात से यतीम को भी हिस्सा मिला। फरमाया अना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और यतीम की कफालत करने वाला, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, दोनों उंगलियां मिलाकर आपने इशारा करके बतलाया, यानी बिल्कुल साथ होंगे। बल्कि और रिवायतों में है कि यतीम के सर पर हाथ फेरना, एक इंसान कुछ नहीं कर रहा, उसको खिला नहीं रहा है, पिला नहीं रहा है, कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन शफकत और मोहब्बत से कि बेचारे के बाप का साया सर से उठ गया, ये बेचारा नाबालिग है, बच्चा है, यतीम है, उसके सर पे मोहब्बत का, शफकत का हाथ फेर रहा है, तो फरमाया जितने सर के बाल हैं उसके बराबर नेकियां उसको मिलेंगी, जितने बाल हैं उसके बराबर नेकियां मिलेंगी। मेरे भाइयों, तो मेरे नबी की रहमत वाली जात से यतीम भी महरूम नहीं रहे। मेरे नबी की रहमत वाली जात से गुलाम और बांदियों को भी हिस्सा मिला। मेरे नबी का आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, और जुबान से बराबर अल्फाज अदा नहीं हो रहे,
कान लगाकर जब सुना गया अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलाम और बांदियों का जो तुम्हारे मातहत हैं जिनके तुम मालिक हो उनका ख्याल रखना। आज सेठ मजदूर का खून चूसता है, आज अपने मातहतों पर जुल्म किया जाता है और मेरे नबी का आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त में इंसान अपनों को बुलाता है, अपनों का चेहरा देखना चाहता है, अपनों से मिलना चाहता है, सलाम कहना चाहता है, कोई खास बात उनसे कहना चाहता है और उनको देखकर दुनिया से रवाना होना चाहता है। लेकिन मेरे नबी को फिक्र है आखिरी वक्त में तो सलात की, नमाज की और गुलाम बांदियों का यानी अपने मातहतों का ख्याल रखने की कि वो के मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। मेरे नबी की रहमत वाली जात से जानवरों को भी हिस्सा मिला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो सारे जहां के लिए आप रहमत बनकर आए थे उसमें जानवर भी हैं। आप बाग में तशरीफ ले गए, एक ऊंट उसने वो आया और आपके सामने गर्दन झुका दी, कुछ बड़बड़ाने लगा, मेरे नबी समझ गए, बुलाया इसका मालिक कौन, कहा ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा कि तू उससे काम ज्यादा लेता है और खाने को कम देता है। किसने बताया था ये रहमत वाली जात है, उस जानवर को किसने बताया, उसे कैसे मालूम पड़ा रहमत का, रहमत यहां लुटती है, रहमत के खजाने यहां लुटाए जाते हैं। मेरे नबी कुर्बानी के लिए जानवर जिबा कर रहे हैं, 63 के करीब ऊंट जिबा किए थे और हर ऊंट जिबा होने के लिए सरकार के हाथों से, महबूब के हाथों से जिबा होने के लिए एक के ऊपर एक धक्का मुक्की कर रहे हैं आगे के, पहले मुझे जिबा किया जाए, सोचो जान जा रही है, लेकिन मालूम है कि रहमत वाले नबी के हाथ से अगर जिबा हो जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा। इसलिए हमारे नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए, तो आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमत आलम बनकर। उस नबी की जात को और उनकी सीरत को, उनके तरीके को अपनाना है मेरे भाइयों, जिनकी रहमत हर एक पर हुई। आज हम अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने नबी की सीरत को हमें अपनाना पड़ेगा। सिर्फ नमाज रोजा दीन नहीं है, जिंदगी के हर फील्ड में मेरे नबी की सुन्नत को, मेरे नबी के तरीके को, मेरे नबी के अखलाक को, मेरे नबी के किरदार को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें कहलवाई, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।